हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम शशांक याग्निक है और इस वीडियो में आप सबका वेलकम। यूजुअली हम इस वीडियो में जो भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स रहते हैं, जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें रहती हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड। लेकिन आज सिर्फ हम एक खबर के बारे में बात करेंगे और वो खबर है रिद्धिमान साहा वर्सेस जर्नलिस्ट। अब ये टॉपिक पिछले काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। रिद्धिमान साहा ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे सोशल मीडिया पर उस पत्रकार को लेकर के, और BCCI ने भी इस पर जाँच की बात कह दी थी। अब दरअसल कल मीटिंग भी हुई और कल ये जो जाँच थी इसको लेकर के रिद्धिमान साहा से बातचीत भी की BCCI ने। खबरें कुछ निकल करके सामने आईं, लेकिन एक जो बड़ा डेवलपमेंट इस पर हुआ है वो ये हुआ है कि जो जर्नलिस्ट का नाम, जो जर्नलिस्ट के बारे में स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे, उन्होंने ओपनली आकर के सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा है, और वो जर्नलिस्ट हैं बोरिया मजुमदार। अब उन्होंने जो भी कुछ बातें रिद्धिमान साहा की तरफ से कही गई थी उनका उन्होंने काउंटर किया है। अब रिद्धिमान साहा ने जो भी ट्वीट्स वगैरह साझा किए थे, जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे, जो उन्होंने व्हाट्सएप की जो चैट्स थी उसको पब्लिक डोमेन पर रखा था, उस पर बोरिया मजुमदार ने भी अपने जो भी कुछ अपना पक्ष जो है वो रखा है। अब उनकी तरफ से सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको ओपनली एक बात बता रहा हूँ, क्लियरली जो बात कही है, 8 मिनट का दरअसल एक वीडियो है जो कि उन्होंने पोस्ट किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, और जो उसका निचोड़ है वो ये है कि रिद्धिमान साहा ने जो भी चैट्स थी, जो भी वो स्नैपशॉट उन्होंने व्हाट्सएप वाला शेयर किया था, वो डॉक्टरेट था, टेम्पर्ड था, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव किए थे, और जो एक्चुअल चैट थी वो भी उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाई है। रिद्धिमान साहा से उनकी क्या बातचीत हुई थी। अब जो भी कुछ एलिगेशंस लग रहे थे, एक स्पेकुलेशन था, नाम निकल करके सामने नहीं आ रहा था कि वो जर्नलिस्ट कौन है, BCCI भी उस बारे में जांच करना चाह रहा था, लेकिन बताया ये जा रहा है, और वीडियो में उन्होंने भी बताया कि रिद्धिमान साहा ने उनका नाम लिया है, और इस वजह से अब उनको ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन पर लेकर के आए हैं वो। और रिद्धिमान साहा की तरफ से जो भी कुछ हुआ उसको लेकर के क्लियर कट उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने बोला है कि ये सारी चीज़ें जो थी टेम्पर्ड थी, सारी चीज़ें डॉक्टर्ड थी, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए, और जो भी पूरी स्टोरी नहीं थी, एक जो इमेज सबके सामने रिद्धिमान साहा ने रखी थी उसके पीछे की जो तस्वीर थी उसको बोरिया मजुमदार ने सामने रखा है, और उन्होंने क्लियरली इस बात के भी साइंस दिए, क्लियरली उन्होंने इस बात को भी बोला है कि ये जो पूरा एक सिनेरियो हुआ ना, जो एक पूरी स्टोरी क्रिएट हुई, इससे काफ़ी ज़्यादा उनकी इमेज पर ठेस पहुंचा है, साथ साथ उनके परिवार को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल झेलना पड़ा है। तो इसको लेकर के उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से अपना एक वीडियो जारी किया है, और उन्होंने बोला है कि रिद्धिमान साहा पर इसके चलते एक वो डिफॉर्मेशन का केस भी फाइल करने वाले, और बहुत जल्दी वो जो नोटिस रिद्धिमान साहा को भेजा जाएगा उसका वो स्नैपशॉट भी ट्विटर के माध्यम से सबके सामने रखेंगे। तो एक ये बड़ा डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है ये रिद्धिमान साहा वर्सेस जर्नलिस्ट का जो एक ये मुद्दा था। हमने शुरुआत से रिद्धिमान साहा के ही, हमने मतलब पूरे जितने भी रिद्धिमान साहा के फैंस हैं जो इस टॉपिक को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने शुरुआत से ही रिद्धिमान साहा का पक्ष सुना था, जाना था, लेकिन अब जो अदर साइड ऑफ दिस स्टोरी रहती है ना, अब वो भी सामने निकल कर के आई है। बोरिया मजुमदार से उनकी क्या कुछ बातचीत हुई, कब उन्होंने क्या मैसेजेस उनको किए, साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है वीडियो में, उन्होंने बोला है कि उन्होंने किसी भी तरह से थ्रेटन नहीं किया है रिद्धिमान साहा को, और जो बातें सब लिखी गई हैं चैट में वो सारी अलग अलग समय पर हुई थी, अलग अलग तारीखों में हुई थी, और रिद्धिमान साहा ने बड़ी स्मार्टली उनको एक बोल सकते हैं ना विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये सारी चीज़ों को सामने रखा है। नून की तरफ से ये कहना था, बोरिया मजुमदार का पक्ष ये था, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपना पक्ष रखा है साहा वर्सेस जर्नलिस्ट वाले मुद्दे पर, और उन्होंने BCCI से भी रिक्वेस्ट की है इस बारे में कि जो भी कुछ जांच हो रही है उसमें बोरिया मजुमदार को भी अपना पक्ष रखने के लिए एक चांस मिले, और फेयरली इस पर जांच हो, और रिद्धिमान साहा के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन भी लेने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा मुद्दा था, जो भी इस पर लेटेस्ट अपडेट था वो सब मैंने आपको बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप जाकर के वो जो 8 मिनट का वीडियो है आप उसको भी सुन सकते हैं। बोरिया मजुमदार ने अपने ट्विटर हैंडल से ही पोस्ट किया है, आप उसको सुनिए, और उन्होंने जो भी कुछ बातें बताई हैं वो सब आप जानेंगे। तो फिर एक जो बैक आप इमेज बोल सकते हैं ना, जो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ ये, उसके पीछे का पूरा मुद्दा आपको समझ में आएगा। वो भी काफ़ी रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, और बहुत प्लेयर्स की उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, और जिस जो भी एक उनकी इमेज क्रिएट की गई वो रिद्धिमान साहा की तरफ से गलत था, और ऐसा उनका कहना है। तो इस तरह से सारी चीज़ें रही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बड़ी बड़ी खबरों के साथ में।